दुल्हन अपहरण मामले में एक नया मोड़, जहां इसमें पक्षपात का आरोप, लोगों ने रास्ता जाम कर किया प्रदर्शन। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। इस वक्त सीकर से आ रही है बड़ी खबर। धोद के नागवा गांव से दुल्हन अपहरण मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज वीर तेजा सेना सहित विभिन्न संगठनों के लोग कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां प्रदर्शनकारियों ने पहले तो कलेक्ट्रेट के सामने रास्ता जाम करने की कोशिश की, बाद में अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। यहां सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने दुल्हन अपहरण मामले में पुलिस की कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि वो मामले में जांच अधिकारी दुल्हन पक्ष का पक्ष ले रहे हैं, जिससे आरोपी अंकित के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में जांच अधिकारी को बदला जाए और मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषी को सजा दी जाए। मित्रों, हम आपको बता दें क्या पूरा मामला था। 16 अप्रैल की रात हंसा की शादी होने के बाद मायके से ससुराल जाने के दौरान दो गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों ने उसकी कार पर हमला बोल दिया था। इसके बाद आरोपी दुल्हन हंसा को उठा ले गए थे। बीस बसाव करने के दौरान हंसा की बड़ी बहन के साथ मारपीट भी की गई थी और हमलावर गहनों के साथ 20,000 रुपयों की नकदी भी ले गए थे। इसके 5 दिन बाद पुलिस ने हंसा को देहरादून से बरामद कर लिया था और आरोपी अंकित व उसके साथी मुकेश को दबोच लिया था। मित्रों, और भी कई खबरों इसके साथ जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए।